हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गम विज्ञान संस्थान। आज हम लोग एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स की। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने सॉलिड स्टेट फिजिक्स की प्रॉब्लम डिस्कस की थी। आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे और वहां से जाके वीडियो देख लेंगे। ओके, तो आइए प्रॉब्लम का स्टेटमेंट देखते हैं। प्रॉब्लम कह रही है कि जो हम लोग डायफ्रैक्शन स्टडीज़ परफॉर्म करते हैं उनमें एक्सरे डायफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन एंड न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन, ये तीनों डायफ्रैक्शन टेक्निक्स हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में और क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशंस देती हैं। अब हमें इन तीनों टेक्निक्स को, इन तीनों स्टडीज़ को कंपेयर करना होगा और साथ ही साथ एक रेफरेंस के साथ कंपेयर करना होगा। रेफरेंस पे हमें लेना है पार्टिकल का एनर्जी, दूसरा टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इनके अकॉर्डिंग हमें इनमें डिफरेंशिएट करना है। ओके, साथ ही साथ अब हमें बताना है नेक्स्ट पार्ट में कि कौन सा टेक्निक का यूज़ करके हम लोग सरफेस क्रिस्टलोग्राफी का मेजरमेंट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना है कि कौन सा टेक्निक हम लोग मैग्नेटिक स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आइए वन बाय वन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख लेते हैं। वैसे ये प्रॉब्लम काफ़ी सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान से करिएगा और एक बार खुद से ट्राई करिएगा, खुद से एक बार बुक में देखिएगा कि कौन सा टेक्निक कब यूज़ होता है। ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं। मैं अपनी तरफ से आपको बताने की पूरी हेल्प करूँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सरे की। जो एक्सरे डायफ्रेक्शन होता है कब और कैसे यूज़ करते हैं। बेसिकली जो एक्सरे का एनर्जी होता है वो थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। साथ ही साथ जो वेवलेंथ होता है वो 10^-10 मीटर के ऑर्डर का होता है। ये जो ऑर्डर होता है वेवलेंथ का वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में इंटरप्लेनर स्पेसिंग और इंटरप्लेनर डिस्टेंस के ऑर्डर के इक्वल होता है। तो जब इन दोनों का लैम्डा एंड डी हमने पढ़ा है 2d sin θ = n λ, डी इंटरप्लेनर स्पेसिंग, तो यहाँ डी और लैम्डा का ऑर्डर मैच कर जाता है, जिसकी वजह से एक्सरे क्रिस्टल पर स्ट्राइक करते ही और इंसिडेंट होते ही एक्सरे डायफ्रेक्शन करता है। और इसकी हेल्प से हम क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते हैं। इन द सेंस हम लोग, आपने पढ़ा होगा क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस एक्स वाई जेड के करस्पॉन्डिंग ए बी सी हम लोग मेजरमेंट करते हैं। उसे हम बताते हैं कि क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल क्यूबिक है या बॉडी सेंटर्ड है या फेस सेंटर्ड है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन डायफ्रेक्शन। ओके, तो लो एनर्जी का जो रेंज होता है 20-50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है कि क्रिस्टल एटम्स के पास लार्ज क्रॉस सेक्शन होता है और इस लार्ज क्रॉस सेक्शन से जो लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं। साथ ही साथ जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके पास लो एनर्जी है वो क्रिस्टल में डीपली पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं, केवल और केवल सरफेस तक रह जाते हैं। तो इस सरफेस तक रह जाएंगे, तो सरफेस तक रह जाने का मतलब क्या है कि सरफेस का ही इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। तो जब भी हमें सरफेस स्ट्रक्चर की स्टडी करनी हो या सरफेस मॉर्फोलॉजी फाइंड आउट करना हो तो हम लोग इलेक्ट्रॉन डायफ्रेक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए ये लाइन में लिखा हुआ भी है सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स। ओके, नाउ न्यूट्रॉन डायफ्रेक्शन की हेल्प से हम लोग जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसकी टू प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूक्लियाई और जो सेकेंड होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटाइजेशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियाई का मतलब ये है कि एटम उसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो एटम के अंदर न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो किस तरीके से बढ़ रहा है और घट रहा है। ओके, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटाइजेशन का मतलब कि हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर मैग्नेटाइज और
वाउंड विद द न्यूक्लियस। नेक्स्ट, इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पे क्लियरली कह सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन डायफ्रेक्शन होता है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मैग्नेटिक क्रिस्टल मतलब जो मैग्नेटिक क्रिस्टल होते हैं उनके लिए हम लोग न्यूट्रॉन डायफ्रेक्शन का यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ ये हमको डिस्ट्रीब्यूशन, ओरिएंटेशन एंड ऑर्डर ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट्स बताता है। साथ ही एक फाइनल कंक्लूजन हमने हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि जो लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन डायफ्रेक्शन होता है वो सरफेस क्रिस्टलोग्राफी के लिए यूज होता है, और न्यूट्रॉन डायफ्रेक्शन जो है मैग्नेटिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स के लिए यूज होता है। ओके, तो ये था हमारा प्रॉब्लम, और नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग देखेंगे सॉलिड स्टेट का एक अच्छा सा प्रॉब्लम जो काफ़ी सारे एग्जाम्स में आया हुआ होगा। थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक कीजिए।